गाइज वेलकम बैक टू एग्जाम शॉर्टअप चैनल। ये वीडियो रे आम जानवा न्यू रिक्रुटमेंट जो बाहरी आम ओडिशा सबर्डिनेट स्टाफ तरफ 7484 आमर जो नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट बाहरी तो 7483 नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पे पूरा डिटेल्स आम जानवा जेहेतु यहाँ आम रिक्रुटमेंट एवं बाहरी सहित तार पूरा डिटेल्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही है कितने सारा पोस्ट रही सब जिनको आम वीडियो थ्रू में जानवा तेणु वीडियो सहित जोड़े रुंतु और वीडियो को स्किप न करके फास्ट लास्ट जाए देखो। तो देखो आमर जो बाहरी रिक्रुटमेंट टोटल आमर इनविटेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रुटमेंट टू द 7483 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर ग्रुप सी पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर 2023 तो 2023 आमर 7483 पोस्ट सैंक्शन होमर डिस्ट्रिक्ट कैडर अंडर रे पोस्ट ऑफ फॉर नर्सिंग ऑफिसर। तो यार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होमर जोटा कि देखु 27 तारीख रू स्टार्ट 27 जनवरी रू स्टार्ट आपको फेब्रुवरी 17 जाए टाइम दि जाऊँच। तो देखो 7483 पोस्ट आपंकर अप्लाई डेट बहुत जल्दी स्टार्ट 27 जनवरी रू स्टार्ट करके फेब्रुवरी 17 जाए आपको टाइम दि जाऊँच मात्र 20 दिन टाइम दि जाऊँच फर्म अप्लाई तेणु आपण सब जिनस रेडी रखा दरकार डॉक्यूमेंट्स रेडी रखा दरकार ताकि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे बहुत जल्दी। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट बाहरी ये आम इनक्लूड 30 डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट विथ आम 13 मेडिकल कॉलेज आम पुराने जितकी थी ता सहित नुआ मेडिकल कॉलेज किसी आड हो से विषय में आम डिस्कशन करवा सब मिसिकी आम देखते 30 डिस्ट्रिक्ट व्वज ता सहित 13 मेडिकल कॉलेज। तो आपण बहुत बढ़िया स्कोप अच्छे आपर निज घर पाख कि जोकोसी जगह भी आपको जब करा इच्छा थे आपड़ निहाती से जोटा कि प्रायोरीटी प्रिफरेन्स देखिए आपड़ निहाँतिपर। तो आम पूरा डिटेल्स जानवा ये वीडियो थ्रू रे। तो नेक्स्ट आम देखा डिटेल्स ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड। तो ये जो पोस्ट बाहर यहाँ ओनली डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट जोटा कि आपको मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट कैडर दिया जाए यार ट्रांसफर केवल से ही डिस्ट्रिक्ट हम कि मेडिकल कॉलेज जदि से ही मेडिकल कॉलेज ही आप रहे अदर को कौन ट्रांसफर हम ना। डिस्ट्रिक्ट कैडर मीन ए कैंडिडेट आफ्टर बीइंग सिलेक्टेड विल बी पोस्टेड एंड ट्रांसफर विदिन द डिस्ट्रिक्ट ईच मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इज ए डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पोज। तो मेडिकल कॉलेज को आम गोटे डिस्ट्रिक्ट भाई ना कहीं मेडिकल कॉलेज जब आप पाँच गोटे मेडिकल कॉलेज मनकर आप एससीबी पोस्टिंग पाइले तो तेणु एससीबी ही आपं लाइफ टाइम जदि आप अदर कौट की ट्रांसफर हम ना सेमती जब आप डिस्ट्रिक्ट्रे पाइले ओनली केउंझर ही जोटा कि ट्रांसफर हम जोटि भी हम कि अदर डिस्ट्रिक्ट को हम ना तेणु जिते आज चॉइस फिल कर जिनसटा को माइंड रे ध्यान से रखु। तो जो चॉइस डिस्ट्रिक्ट जो आप कैडर दौरान से यहाँ मेनसन कर डिस्ट्रिक्ट कैडर ट्रांसफर विषय में अवगत होकर ही फिलअप कराया कथा चॉइस प्रिफरेन्सेस। तो स्केल ऑफ पे आम रही यार 29,200 आम पे मैट्रिक्स लेवल सेल वन आपको पेमेंट हम गोटे कि रेगुलर पूरा पेमेंट आमर जानते हैं आप कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट ऑलरेडी उठी जाए तेणु आपने जो पोस्टिंग पाए डायरेक्ट रिक्रुटमेंट पाए डायरेक्ट आपर रेगुलर पोस्टिंग पाए आपको कॉन्ट्रैक्चुअल रखा जाए तेणु आपर मिसिकी आपर बेसिक पे विथ डीए मिसिकी आपको 35 रु एबव हो सैलरी सेमती एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो देखा एज क्वालिफिकेशन 21 वर्ष रु 38 वयस वर्ष अच्छी आपंकर 10th सर्टिफिकेट जो अच्छी 10th सर्टिफिकेट को लेकिन ही आपंकर एज कैलकुलेशन हम रिलैक्सेशन कहाँ अच्छी ना 5 वर्ष अच्छी आम जब आप एससी एसटी एससीबीसी कि वुमेन कैटेगोरी अच्छा आप अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन अच्छी 21 वर्ष रु आप पकई पारे 43 वर्ष जाए पकई पारे कौन मैंने ना एससी एसटी एससीबीसी एंड वुमेन कैटेगोरी मैंने जदि पीडब्ल्यूडी हैंडिकैप कैटेगोरी जाऊँगी आपको 10 वर्ष रिलैक्सेशन अच्छी मैंने आप 48 वयस जाए फॉर्म अप्लाई करेंगे। सेमती आम जो देखा वेटेज फॉर कोविड 19 हेल्थ केयर वर्कर तो यहाँ बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो मैंने कोविड 19 सेक्टर में काम करते प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो जोटी भी होना कहीं आपड़ जदि ओडिशा गवर्नमेंट अंडर जो कौन कोविड हॉस्पिटल आप कम करते कोविड 19 बेले जोटा कि मिनिमम पीरियड ऑफ 3 months साल भी अलाउड 5% एक्स्ट्रा मार्क जदि आपनिमास भी कम कर कोविड 19 सेंटर जो आप कोविड 19 जो आम पोस्ट होता से आप कौन भी हस्पिटाल काम करते तार सर्टिफिकेट प्रॉपर बाहर करते जदि भी आप न बाहर करते अप्लाई करके भी बाहर करेंगे तो सही आपको बढ़िया कम दबा आप 5% एक्स्ट्रा मार्क आड हो आज जी भी एंट्रान्स रखुंस आपको 5% एक्स्ट्रा मार्क आड हो। इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड प्लस टू इन द 10+2 सिस्टम और इट्स इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन जेएनएम और बीएससी नर्सिंग। तो आपको प्लस टू पास कर दरकार जेएनएम एंड बीएससी नर्सिंग करवा पूर्व और 10+2 सिस्टम और इक्विवेलेंट भाव में आप पास कर दरकार सेमती आप नर्सिंग काउनसलिंग थ्रू रे रजिस्ट्रेशन आपंकर आसी दरकार।
ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଆଜ୍ ଏ ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଟେନ୍ଥ ଯାଏ ଲେବୁଲରେ ବା ଏଇଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ବି ଆପଣ CBSE କିମ୍ବା ଅଦର ମିଡ଼ିୟମର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବେ ଆମର ସ୍କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଥିବା ଦରକାର। ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ସେମିତି କଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେ ବି ନର୍ସିଂ ପଢ଼ିବାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତା'ର ଜବ୍ ସେକ୍ଟରରେ ହେଉ, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ୟା ପ୍ରତି ବି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ଆମର ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2022 ଆମର ବାହାରିଥିଲା, ମେ ମାସରେ ବାହାରିଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆମର କ୍ୟାନସଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସଲ୍ ହୋଇଛି ସେଇ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବାହାରିଥିଲା ପୂର୍ବର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି ନ୍ୟୁ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁଟାକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୋ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିଜ୍ ପେବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ, କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆମର ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା 100 rupees ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖନ୍ତୁ 17 February ଯାଏ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ 17 February ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି www.otssc.gov.in, ସେଇଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ବତେଇବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ତା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଛାଡ଼ିବି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ www.otssc.gov.in ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 19 March ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାସ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍। 17 February ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ସରିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 19 March ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟିଂ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ରହିଲା, ଆପଣ ନିହାତି ୟା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆବାଉଟ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2023 ଓ SSSC ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଉଛି। ତ ଫର୍ଦର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହାର ସିଲାବସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିବା କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେ କେତେ ଯାଉଛି, ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତା'ର କେତେ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ୟା ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ନିହାତି ସେ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।